Hello, I'm Kuchi, the owner of Dile restaurant. This restaurant was started by my grandfather. It's about around 80 more years old. Hello and welcome to Dil Foodiana. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आप सब सेफ हैं। जी हाँ, हमें सेफ रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत वक्त हो गया है और मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक चाइनीज़ खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैं सोची क्यों ना चलो मैं चलती हूँ एक अच्छा सा एक ऑथेंटिक चाइनीज़ खाने के लिए। तो ये एक बहुत ही पुरानी जगह पर आई हुई हूँ। दिस इज़ अराउंड 75 to 80 ईयर्स ओल्ड एंड द नेम ऑफ द प्लेस इज डीले चाइनीज़ फूड। जैसा मैंने आपसे पहले भी एक YouTube के ब्लॉग में बोला था कि वंस अपॉन अ टाइम जब पहले ये सेंट्रल कैलकटा जो थी, यहाँ पर पूरी लेदर की फैक्ट्री हुआ करती थी एंड द एंटायर चाइनीज कम्युनिटी वॉज बेस्ड इन दिस प्लेस नियर तिरहट्टी मार्केट। बट लेटर दे गॉट शिफ्टेड क्योंकि अंग्रेज़ों का मानना था कि यू नो ये एक प्रॉपर सिटी में दे डिडंट वॉन्ट कि लेदर फैक्ट्री इस तरफ रहे, सो दे गॉट शिफ्टेड टू टैंगरा। मगर यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे पुराने ऑथेंटिक ईटिंग हाउस रेस्टोरेंट है चाइनीज डिशेस के, विच इज़ जो आपको सच में एक बहुत ही ऑथेंटिक चाइनीज़ का आपको जायका देगा। तो चलिए ट्राई करते हैं एंड ये रहा डीले ऑथेंटिक चाइनीज फूड। सेंट्रल एवेन्यू मेट्रो इज द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन और पाँच नंबर गेट के अगर सेंट्रल एवेन्यू मेट्रो से अगर आप निकल के आते हैं तो 5 नंबर गेट से आपको निकलना है और निकल के जिस लेन में आप घुस रहे हैं टुवर्ड्स पोदार कोर्ट साइड, आप उसमें वॉक करते हुए जाएंगे तो राइट साइड में आपको ये डीले चाइनीज ईटिंग हाउस आपको मिल जाएगा। सो मैंने यहाँ पर स्टार्टर में ही चिकन, आई वॉन्ट टू डू ईट समथिंग ऑथेंटिक टाइप ऑफ, तो मैंने यहाँ ऑर्डर किया है 2 स्टार्टर। वन इज पोर्क चिली रोस्ट, हाँ चिली पोर्क रोस्ट एंड द अदर इज चिकन यम वॉन्टन। सो हमारा सबसे आई एम लकी तो मेरा जल्दी से आ गया चिकन यम वॉन्टन विच इज़ जस्ट 140 rupees। चिकन यम वॉन्टन ओहो पूरे यहाँ पर दिस एकदम स्टीम्ड है, तो लेट्स ट्राई दिस। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज जस्ट सिंपल मैदा के साथ इन्होंने अंदर ये स्टफिंग है मैदा के साथ ही एंड इसे चाइनीज में बोलते हैं क्या, पोक चॉय। पोक चॉय, आई एम वेरी सॉरी, ज़रा सा हमारा मिस्टेक हो सकता है प्रोनंसिएशन में, जिसे हम मस्टर्ड मतलब कि सरसों साग स्टीम सरसों साग मतलब मस्टर्ड नहीं बट चाइनीज नेम इज़ वेरी गुड, इट अट्रैक्ट्स पोक चॉय। कैमन लक्ष्य सर आपने एक बोलेंगे। আচ্ছা, তো কভারিংটা খুবই পাতলা আর ভেতরে ফিলিংটা যথেষ্ট আছে, বেশ জুসি, মানে জাস্ট মুখে দিলেই মিলিয়ে যাচ্ছে আর সসের সাথে ভালো কমপ্লিমেন্ট করছে পুরোটাই। দিস ইজ মাই ফার্স্ট টাইম স্টিম ওয়ান্টন এক্সপিরিয়েন্স এন্ড উইচ ইজ রিয়েলি গুড। ये खाने के बाद मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसके बाद शायद कभी भी फ्राई वॉन्टन मैं प्रेफर करूँगी। आई एम रियली लविंग इट। चिकन यम वॉन्टन पर इसे गए हैं चिली रोस्टेड पोर्क, तो এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ পর্কের স্লাইস পর্ক প্রচুর পরিমাণে দেওয়া আছে, তার সঙ্গে ভেজিস আছে এন্ড পুরোটাই ফ্রাই করা, এটা ভেজিস দেখেই মনে হচ্ছে পুরো স্পাইসি স্পাইসি একটা জিনিস। টেস্ট করে দেখা যাক, দেখে যতটা স্পাইসি লাগছে অতটা স্পাইসি একদমই নয়, সল্টি স্পাইসি একদমই নয়। মেনলি স্পাইস যেটা আসছে সেটা হচ্ছে পেপারের স্পাইসটা আসছে, গোলমরিচ দিয়েছে মোস্ট প্রবাবলি, তো একটা গোলমরিচের স্মেল আসছে। পার্সেন্টেজ হ্যাঁ, যদি সাইডের সঙ্গে তো মেন কোর্স নেবেই, তো এনাফ ফর টু অ্যান্ড বুঝতে পারছি আমাকে পুরো খেতে হবে। আগের দিনকে বিফটা পুরো আমাকে খেতে হয়েছিল, পুরো পাগল করে দিয়েছিল শেক্সে আমাকে, এক কেজির কাছাকাছি বিফটা ছিল ওটা। সেক্সের ভিডিওটা অবভিয়াসলি দেখো, আমি বলবো ওটা অসাধারণ খাবার ছিল, কিন্তু ওটা মশলাটা ছিল না একদম। নেক্সটে একটা যেটা বিফের রেসিপিটা ছিল ওটা জাস্ট বিফটাকে রোস্ট করে দিয়েছে, বিফ রিব পার্টটাকে, অ্যাজ এ রেজাল্ট ওটা খুব ব্লন্ড একটা জিনিস ছিল।
তো সেভিতে এটা কি বলে এটা স্পাইসি একটা জিনিস तो ये आ गया है हमारा फाइनली राइस नूडल्स और एल्स यू कैन आल्सो कॉल इट एज मेफून। तो ये है चिकन राइस नूडल्स एंड दिस इज अलोंग विद दिस द ग्रेवी आइटम इज अ हुनान हुनान चिकन चिकन ग्रेवी चाओ, आप कैंटनीज नूडल्स भी इसको बोल सकते हैं। एंड दिस प्राइस इज चिकन मेफून इज 210 रुपीज एंड हुनान चिकन 228 पीसेस। आप इसका फोर पीसेस वाला भी आप ले सकते हैं एंड दिस इज चिकन ग्रेवी नूडल्स और 160 मेफून। ओह माय गॉड, कितना अच्छा से इन्होंने स्प्रिंकल करके सब कुछ दिया है। ऑथेंटिक की बात ही अलग है बट माय ऑलवेज आई प्रिफर फॉर ग्रेवी चाओ। तो ये जस्ट मैं एक टेस्ट बताती हूँ इसका। राइस नूडल्स वो हमेशा थिन रहता है ना, तो आई जस्ट लव इट। और सबसे बड़ी बात है इसकी जो क्वांटिटी है ना, ये जो हमने दो प्लेट्स मंगाए हैं, एक हक्का नूडल्स मतलब मेफून चिकन मेफून और आपका ये ग्रेवी नूडल्स, दिस इज एनफ फॉर टू पीपल। एक दूजों आराम से हो जाए, दूजों की एक जो चार जनों था, तो अगर एक प्लेट का जो इनका क्वान्टिटी है एंड विद अ साइड डिश आराम से दो लोग खा सकते हैं, टू पर्सन। তো বেসিক্যালি এটা যেটা হচ্ছে একটা প্রচণ্ড লাইট টাচ, মধ্যে একদম স্টিকি না, প্রত্যেকটা নুডলস এক একটা থেকে মানে এতটাই ছাড়া ছাড়া, তার সাথে যথেষ্ট পরিমাণে ভেজিটেবল চিকেন সবই আছে, মানে বেশ মানে মানে পেট ভর্তি করার মতো একটা মিল। आप एक बार जरूर डीले में डीले ईटिंग हाउस में आप चाइनीज यहाँ का जरूर ट्राई कीजिए। आप जब भी यहाँ आते हैं, यहाँ की जो टाइमिंग है वो है सुबह 10 AM 10 बजे से रात को 10 बजे तक, एंड आफ्टरनून में बंद नहीं रहती है, लेकिन संडे को 3 to 6 3 to 6 ये बंद रखते हैं। तो ग्रेवी चाव बेसिकली मेफून से कम्प्लीटली अलादा, नूडल्स के टेक्सचर बस साइज देखने हो जाए जेटा कम्प्लीटली एक একদম পাতলা আর এটা একটু মোটা, যেহেতু গ্রেভিটা কোক করার ব্যাপারটা থাকে কোল্ড করার জন্য। এটাতেও যেহেতু পুরো ভেজিটেবল আছে, চিকেন আছে, মানে কারো যদি গ্রেভি পছন্দ হয় সে ডেফিনেটলি এটা ট্রাই করতে পারে। उम्मीद है आप सबको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग सी जगह पे, चाहे वो ऑथेंटिक हो या स्ट्रीट फूड हो या कोई डाइनिंग वाली जगह हो। तो तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।